हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज के जो शोल्डर हैं वो कैसे क्यों गिरते हैं तो उसको ठीक कैसे करें। तो ब्लाउज के शोल्डर क्यों गिरते हैं तो आपको ये मैं आप इस वीडियो में बता देती हूँ कि शोल्डर जब गिरते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब हमारे शोल्डर गिरते हैं इस तरीके से, हमारे थोड़ा सा इस साइड में या इस साइड में या दोनों साइड में हल्के हल्के से शोल्डर गिरते हैं, तो पहले तो आपको जब हम नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, सिलाई में कम ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके शोल्डर जो है वो गिरते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब शोल्डर गिरते हैं तो पहले तो आपको फिटिंग चेक करनी है। ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो पहले आपको चेक करनी है। वो ब्लाउज़ की फिटिंग जो है इस तरीके से आपको लेना है, लेके आपको ब्लाउज़ की फ़िटिंग पहले चेक करनी है, आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग परफेक्ट है कि नहीं। नहीं तो स्ल्यूज जो है, स्ल्यूज आपके टाइट हो जाएगी तो यहाँ पे भी आपके शोल्डर जो है इस तरह से खींचते हैं, तो यहाँ पे आपको स्ल्यूज को भी देखना है। उसके बाद आपको कमर में ढीला तो नहीं है, चेस्ट में ढीला तो नहीं है, वो देखना है। तो यहाँ पे आप चेस्ट में या कमर में ढीला होगा तो आपको ये फिटिंग करनी है। यहाँ पे आपका स्ल्यूज में फिटिंग ज़्यादा होगी तो भी शोल्डर खींचते हैं, तो शोल्डर स्ल्यूज की भी फिटिंग आपको पहले चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिप नेक होता है, डिप नेक होता है तब हमें शोल्डर जो है वो कम लेना पड़ता है। तो आपके शोल्डर ज़्यादा होने पर भी शोल्डर का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, लेकिन डिप नेक होने के बाद शोल्डर हमें कम लेना पड़ता है। अभी उसे यहाँ पे हमें जो हुक, यहाँ पे हमें टीच बटन जो है वो पहले लगाना है। टीच बटन लगाने से भी आपके शोल्डर नहीं गिरते। उसके बाद आपको पहले चेक करना है फिटिंग का, स्लीव्स की फिटिंग देखनी है और चेस्ट की और कमर की फिटिंग देखनी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जैसे शोल्डर जो है डिप नेक होगा तो आपको शोल्डर कम लेना है। अभी शोल्डर कम लेना है तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है, यहाँ पे आपको अंदर के साइड में टीच बटन लगाना है। तो ये दो तीन पॉइंट आप देखोगे पहले तो आपको ध्यान में आएगा कि आपके शोल्डर का प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद भी आपके शोल्डर गिरते हैं तो जब हम सिलाई करते हैं तो आपको पहले क्या करना है, जब यहाँ पे हम कटोरी ज्वाइंट करते हैं, ये जो पार्ट कटोरी के साइड का जो पार्ट है ये ज्वाइंट करते हैं, तब आपको गला जो है शोल्डर का अंदाजे से आपको कितना लेना है शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, उतना आपको रखे गला नापना है। अभी गला नापना है तो गला नापने के बाद आपका कम ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे अंदर के साइड में हल्की सी सिलाई लगानी है। क्वार्टर इंच लगाएंगे, यहाँ पे हमें कटोरी थोड़ा सा अंदर के साइड में दबाना पड़ता है। तो पहले आपको क्या करना है, जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं कटोरी और कटोरी के साइड का पार्ट जब ज्वाइन करते हैं तो आपको शोल्डर का जो ऊपर के साइड में शोल्डर का जो जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आपको छोड़ के आपको गले का नाप लेना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका गला बड़ा हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको अंदर के साइड में सिलाई ले सकते हैं। दूसरा जो है, तो यहाँ पे हमारी जो शोल्डर है, शोल्डर पे आपको क्या करना है, अंदर के साइड में थोड़ा सा क्वार्टर इंच इस तरह से लेके यहाँ पे हमें इसमें ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें तिरछी सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें तिरछी सिलाई लगाने के बाद भी हमारे शोल्डर जो है अंदर के साइड में इस तरह से बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले चेक करना है, उसके बाद आपको शोल्डर देखना है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये हल्की सी इस तरह से अंदर के साइड में ये प्लेट जो है वो डालनी है। यहाँ पे आपको दबाना है थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे आपको अंदर के साइड में इसे हल्की सी फिनिशिंग के साथ आपको ये प्लेट जो है वो डालनी है। यहाँ पे गले के साइड में ही डालनी है, नीचे के साइड में नहीं करनी है। हल्की सी यहाँ पे आपको ये कपड़ा जो है वो दबाना है। तो इस तरीके से आपको जो शोल्डर गिरते हैं तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शोल्डर जो गिरते हैं उसको ठीक कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।